ठीक है तो प्लीज रेड सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही जो घंटे का आइकन है इसको भी दबा के ऑन कर ले लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। दोस्तों अगर आप झारखंड से हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं झारखंड बजट 2020 के अंतर्गत किस किस को मद्देनजर रखते हुए इस बार यहां पे बजट जो है पेश किया गया है। दोस्तों खासकर इस बजट में किसानों के लिए बहुत ही बड़ा ऐलान किया गया है। सभी किसानों को 2000 करोड़ रुपये माफ करने का बड़ा ऐलान जो है झारखंड बजट 2020 में किया गया है। इसके साथ ही 1000 यूनिट तक बिजली का बिल भी फ्री। इसके अलावा भी 10 नई अपडेट जो है, नए बड़े बड़े खुलासे यहाँ पे किए गए हैं, वादे यहाँ पे किए गए हैं, जिससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए एक एक खुशखबरी को हम यहाँ पे जान लेते हैं कि किन को क्या क्या इस बजट में जो है मिल पाया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड बजट 2020 किसानों की ऋण माफ़ी के लिए 2000 करोड़ रुपये का बजट यहाँ पर पेश किया गया है। आज इस वीडियो में हम 10 बड़े पॉइंट्स जानने वाले हैं इस बजट के अंतर्गत। आप यहां पे देख सकते हैं बजट जो है पेश किया गया है। झारखंड की हेमंत सरकार ने अपना पहला बजट जो है पेश कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुल 86,370 करोड़ रुपए के लिए जो बजट प्रावधान किया गया था वो यहाँ पे पेश किया गया है। इस बजट में तमाम लोक लुभावने घोषणाओं के साथ वित्त मंत्री रामेश्वर उराव जो है इन्होंने किसानों और गरीबों के लिए अपना खजाना खोल दिया है। इसके साथ साथ गरीबों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ ही 100 मोहल्ला क्लिनिक खोलने की भी बहुत ही बड़ी यहां पे सरकार द्वारा घोषणा की गई है। किसानों की ऋण माफ़ी योजना की शुरुआत करते हुए 2000 करोड़ रुपये देने की बहुत ही बड़ी घोषणा यहाँ पर की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को 50,000 रुपये से अधिक देने की बात भी यहां पे कही गई है। चलिए अब हम एक एक पॉइंट को यहां पे जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें तो वित्त मंत्री रामेश्वर उराव द्वारा पेश किए गए बजट में हाट बाजारों में चलंत क्लिनिक के माध्यम से ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा की घोषणा यहाँ पर की गई है, ताकि ग्रामीणों में जो चिकित्सा सुविधा है वो उन्हें पर्याप्त मात्रा में मिल सके। सरकारी स्कूलों के कक्षा 9 से 12 की छात्राओं को पुस्तक और पोशाक की राशि में बढ़ोतरी की गई है। इस बजट में बेरोजगारों को सालाना भत्ता देने का प्रावधान भी किया गया है। झारखंड के सभी स्नातक पास युवाओं को 5,000 और स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों को 7,000 रुपये सालाना आर्थिक बेरोजगार भत्ते के रूप में राशि देने का ऐलान भी यहां पे किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 50,000 रुपये की अतिरिक्त राशि जो है दी जाएगी। 50 वर्ष से ऊपर के 10 लाख छूटे हुए लोगों को यहां पे राशन कार्ड मिल पाएगा। पहले चरण में किसानों का 50,000 रुपये तक का ऋण माफ होगा। बजट के अनुसार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण जो है दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करें तो 10 बड़े पॉइंट्स जिनमें किन को क्या क्या यहां पे मिल पाया है। तो दोस्तों झारखंड मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना शुरू होगी। शहरी क्षेत्रों के स्लैम में 100 मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। झारखंड में मुख्यमंत्री कैंटीन योजना की शुरुआत की जाएगी। 300 यूनिट से कम बिजली खपत करने वाले परिवारों को 100 यूनिट तक बिजली जो है मुफ्त में दी जाएगी। राज्य के गरीबों को 100 यूनिट मुक्त बिजली मिलेगी। 11,000 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। 57 लाख परिवारों को अनुदानित दर पर खाद्यान्न के अतिरिक्त लुंगी धोती साड़ी दिए जाएंगे। 200 करोड़ के प्रावधान यहां पे किए गए हैं। APL परिवारों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल पाएगा। किसानों के कर्ज माफ करने के लिए अल्पकालीन ऋण कृषि ऋण राहत योजना लागू की गई है। अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। धान उत्पादन एवं बाजार सुलभता नामक कई नई योजनाओं की शुरुआत होने वाली है। आदिवासी बहुल इलाकों में काम करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों को 40,000 रुपये अतिरिक्त प्रति माह दिए जाएंगे। अन्य डॉक्टरों को 25,000 रुपये दिए जाएंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को 50,000 रुपये अधिक दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू की जाएगी। 30 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों के मानदेय में 500 रुपए की वृद्धि की जाएगी। अब प्रति माह उन्हें 1500 से लेकर 2000 रुपए उन्हें दिया जाएगा। माध्यमिक स्कूलों में डिजिटल शिक्षा के लिए प्रधानमंत्री डिजिटल प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। राज्य में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। झारखंड एजुकेशन ग्रिड योजना के तहत झारखंड सेंट्रल फॉर डिजिटल लर्निंग की स्थापना की जाएगी। उसके बाद हम बात करें बजट की खास बातें क्या हैं। दोस्तों बजट में जो खास बातें हैं, किसानों की ऋण माफ़ी के लिए जो 2000 करोड़ रुपए का जो बजट का प्रावधान किया गया है, एक तो ये सबसे बड़ी खास बात थी। उसके बाद 300 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले परिवारों के लिए 100 यूनिट बिजली बिल जो है मुफ्त दिया जाएगा। उसके अलावा हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 57 लाख परिवारों को मुफ्त में धोती साड़ी और लुंगी यहाँ पे दी जाएगी। इसके अलावा ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोले जाने पर मोहर लग चुकी है। शहरी क्षेत्रों में 100 मोहल्ला क्लिनिक खोले जाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ छात्राओं को मुफ्त तकनीकी शिक्षा देने के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं। पर्यटन के क्षेत्र में 50,000 युवाओं को नौकरी देने का प्रावधान भी यहाँ पे किया गया है। रसोइये के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी यहाँ पे की गई है। हेमंत सरकार का बजट जो है ऐतिहासिक झामुमो क्यों बताया जा रहा है, तो दोस्तों झामुमो ने हेमंत सरकार के बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस बजट में समाज के हर तबके की इच्छा जो है पूर्ण होगी। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हेमंत सरकार ने रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, किसान, पेयजल के साथ आवास पर भी विशेष ध्यान देते हुए ये बजट जो है पेश किया गया है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभुक को 50,000 रुपये अतिरिक्त दिए जा रहे हैं। इससे उसे आवास बनाने में सहूलियत होगी। रघुवर सरकार ने 5 सालों में बनाया सिर्फ ठेकेदारों के लिए बजट। दोस्तों सुप्रियो भट्टाचार्य ने पिछली रघुवर सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि रघुवर सरकार ने 5 सालों में सिर्फ ठेकेदारों के लिए ही बजट बनाया था, लेकिन हेमंत सरकार ने आम लोगों के लिए बजट नहीं बनाया था। इससे ठेकेदारों और बिचौलियों को काफ़ी ज़्यादा निराशा हुई होगी। कहा कि विधानसभा में इतना भव्य बनाने की जरूरत नहीं थी, कम बजट में इसे बनाया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए पिछली सरकार ने ऐसा करना उचित समझा था। इसी बची हुई राशि को बेरोजगारी को दी जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद हम बात करें तो दोस्तों विधानसभा भवन पर ज़्यादा खर्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि बजट में बेरोजगारों को गुजारा भत्ता देने का प्रावधान किया जाना सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है। साथ ही सभी को छात्रवृत्ति देना, वृद्धा और विधवाओं को पेंशन सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिया जाना भी सरकार की मंशा को जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने श्वेत पत्र लाया था और इससे पता चला कि झारखंड के प्रत्येक नागरिक पर 29,000 रुपये का कर्ज है। इसको देखते हुए यहाँ पे झारखंड सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का बजट जो है कृषि कार्य में किसानों की कर्ज माफ़ी के लिए यहाँ पे किया गया है। तो दोस्तों ये थी झारखंड बजट 2020-21 में किन किन वर्ग को क्या क्या यहाँ पे मिल पाया है। तो दोस्तों अगर आप झारखंड से हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाह रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले बिल्कुल सटीक रिपोर्ट, तो दोस्तों इस वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए पास में बेल या घंटी के निशान को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन भी करें। दोस्तों मिलेंगे इसी प्रकार से एक और नए लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।